भागलपुर के दीप प्रभा सिनेमा हॉल में गदर 2 फिल्म देखने आए दर्शकों के बीच मारपीट हो गई। विवाद ब्लैक में टिकट को लेकर हुआ। मारपीट को बढ़ता देख वहां मौजूद गार्ड ने हस्तक्षेप कर मामले को शांत कराया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने पूरे मामले पर शांति बनाने की अपील की। घटना को लेकर पुलिस ने बताया कि मामले की सूचना मिलते ही जोगसर थाना पुलिस ने लोगों को समझाते हुए मामला शांत कराया। वहीं दो युवकों को हिरासत में ले लिया गया है। इस दौरान एक पक्ष के आक्रोशित लोगों ने हिरासत में लिए दोनों युवकों को छोड़ने का पुलिस पर दबाव बनाया। इतना ही नहीं, पुलिस हिरासत में बैठे युवक गाड़ी से निकालने का प्रयास करने लगे। ऐसे में पुलिस ने मामला संभालते हुए दोनों को हिरासत में लेकर थाना पहुंचा दिया। गदर 2 देखने को लेकर दर्शकों का दीप प्रभा सिनेमा हॉल में हुजूम पहुंच रहा है। सिनेमा हॉल पहुंचे दर्शकों का कहना है कि सिनेमा हॉल में टिकट ब्लैक किया जा रहा है। लाइन में खड़े दर्शकों को टिकट नहीं मिल पा रहा। सिनेमा हॉल में मौजूद गार्ड उस भीड़ को नियंत्रित करने में फेल रहे। गदर 2 देखने को लेकर दीप प्रभा सिनेमा हॉल पहुंचे दर्शकों में अन्य शो के दौरान भी हल्की फुल्की मारपीट हो गई, लेकिन थोड़ी ही देर में मामला शांत हो गया। इस दौरान किस बात को लेकर मारपीट हुई इसका खुलासा नहीं हो पाया है। भागलपुर जिले के आम के बगीचे में एक महिला का शव बरामद हुआ है। वहीं शव मिलने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। घटनास्थल पर स्थानीय लोगों की भीड़ जमा हो गई। घटना की सूचना लोगों ने स्थानीय पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची हबीबपुर थाना पुलिस ने कागजी कार्रवाई करते हुए अपने कब्जे में शव को लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना जिले के हबीबपुर थाना क्षेत्र का है, जहां गौशाला के पास आम के बगीचे में एक महिला का शव मिला और उसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई। मृतका की पहचान 32 वर्षीय बेबी के रूप में हुई है। वहीं लोगों ने आशंका जाहिर की कि आरोपियों ने सुनसान बगीचे का फायदा उठाकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया है। मामले को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। घटना के मामले में मृतक का भाई मोहम्मद इम्तियाज ने बताया कि बेबी अपने पति और दो बच्चों के साथ दिल्ली में रहती है। अपने नंदोई शमशेर के यहाँ 2.5 लाख रुपए बकाया था। पैसे के लेन देन को लेकर इसकी हत्या की गई होगी। उन्होंने कहा कि आज ही मेरी बहन बेबी दिल्ली जाने वाली थी, इससे पहले ही उसकी हत्या कर दी गई। इस घटना को लेकर हबीबपुर थानाध्यक्ष कृपा सागर ने बताया कि गौशाला के सामने बगीचा में एक अज्ञात महिला का शव बरामद हुआ है। शव की शिनाख्त करने का प्रयास किया जा रहा है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और मामले की जांच भी की जा रही है। पास गई है टिकट लाने के। कितना पैसा बाकी था उनका? ये नहीं पता सर, कितना पैसा बाकी उसी को पता है। क्या चीज का पैसा बाकी था वो दिया होगा और जा दिया था उसको। अच्छा, और उसका नंदोसी क्या लगता भाई मारा है? कुछ दिक्कत भी है और उसी पे क्या लगता भाई मारा है? वही मारा, 100% वही मारा है। घर कुर्बान है जो महिला है, महिला दिल्ली में रहती है। दिल्ली में रहती है? नाम क्या है? दिल्ली से कब आई थी? मेरे पास वो रहती है, यहाँ से घूमने आई थी। दिल्ली से कब आई थी यहाँ? दिल्ली से 25 तारीख को आई थी। 25 को आई थी, 25 जुलाई को। हाँ 25। अच्छा, क्या काम करते दिल्ली में? कौन भाई मृतक? मेरा ही ने घर में रहती थी, कुछ करती थी। आपका अपनी बहन है? अपनी बहन है। क्या नाम है? कितने बाल बच्चे हैं उनको? दो बच्चे। शादी कब हुई थी? '89 दंगे के बाद भागलपुर में लगातार सौहार्दपूर्ण माहौल बना रहा, लेकिन पिछले कुछ सालों से शहर में छिटपुट घटनाएं हो रही हैं। असामाजिक तत्वों द्वारा पर्व त्योहारों में माहौल बिगाड़ने का कोशिश किया जाता है। इसी कड़ी में एकता का परिचय देते हुए आज पुलिस पब्लिक समन्वय समिति की ओर से शांति और सद्भावना मार्च निकाला गया। यह रैली नाथनगर के नरगा चौक से निकलकर चंपानगर होते हुए सुभाष चंद्र बोस चौक तक पहुंची, जिसमें सभी धर्मों के लोगों ने अपनी भागीदारी सुनिश्चित की। शांति और अमन का वातावरण बनाए रखने के लिए लोग हाथ में तख्ती लेकर अनेकता में एकता का परिचय देते हुए दिखे। सद्भावना रैली में बिहार राज्य बाल श्रमिक आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कांत मिश्रा, लोजपा जिलाध्यक्ष राजेश वर्मा और पुलिस पब्लिक समन्वय समिति के अध्यक्ष इब्रार अंसारी के साथ साथ कई थानों के थानाध्यक्ष और पुलिस पदाधिकारी भी मौजूद रहे। देखिए, ये पुलिस पब्लिक समन्वय समिति नाथनगर की तरफ से बहुत ही सुंदर और सकारात्मक पहल किया गया है। नरगा चौक से हम सभी समुदाय के लोग एक साथ निकल के पूरे नाथनगर और चंपानगर से होते हुए यहाँ तक आए हैं। इसका उद्देश्य सिर्फ इतना ही है कि हम लोग भागलपुर की जनता, नाथनगर की जनता के अंदर में यह विश्वास पैदा कर सकें कि हम लोगों के बीच अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति अगर असंतोष फैलाने की बात करेगा, हम लोगों के बीच आपस में लड़ाई लगवाने की कोशिश करेगा, तो हम लोग उसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं। भागलपुर की जनता हमेशा इस बात के लिए जानी गई है कि भागलपुर में कभी भी अगर ऐसा
कोई भी वातावरण पैदा होता है तो उसमें हम सभी समुदाय के लोग एक साथ खड़े होकर के इसे दूर करते हैं। आज फिर से वक्त आ गया है कि हम ऐसे चीज़ों से अपने आप को दूर रखें, यहाँ के लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करें, यहाँ के लोग हमेशा से शांति प्रिय रहे हैं और शांति प्रिय रहें और उन्नति को आगे बढ़ाएं। कह रहे हैं कि पूरे रास्ते रास्ते जा रहे हैं, सब लोगों को ये संदेश जा रहा है कि आप ऐसा मत समझिए कि कोई भी अगर आपको गलत इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करता है तो पुलिस भी और प्रशासन भी साथ में सामाजिक कार्यकर्ता समाज के लोग आपके साथ खड़े हैं, आप आगे आइए, चुप मत रहिए। ये भी भागलपुर में स्वतंत्रता दिवस की तैयारी जोर शोर से की जा रही है। भागलपुर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन तैयारी में जुटा हुआ है। शहर के सैंडेंस कंपाउंड मैदान में परेड की तैयारी की जा रही है, जिसमें बिहार पुलिस के महिला और पुरुष बटालियन के साथ साथ दंगा नियंत्रण, रैपिड एक्शन, होमगार्ड और NCC की टीम पूर्वाभ्यास में हिस्सा ले रही है। बता दें कि हर साल 15 अगस्त के दिन शहर के सैंडेंस मैदान में जिला प्रशासन की ओर से आकर्षक झांकी निकाली जाती है। इस बार भी आकर्षक झांकी निकाली जाएगी, जिसे देखने के लिए दूर दराज से काफी संख्या में लोग सैंडेंस कंपाउंड पहुंचते हैं। कोसी नदी के जलस्तर में लगातार हो रहे वृद्धि के कारण भागलपुर जिले के कदवा के निचले इलाकों में बाढ़ के पानी फैलने लगी है। जहां कदवा दियारा पंचायत के बुड़वा, मुसहरी, नवीन नगर, पुनामा के कोसी धार होते हुए बाढ़ की पानी बुचाही धार होकर खैरपुर कदवा पंचायत के गोला टोला, कोसी धार से महादलित टोला बेलसंडी की ओर बढ़ने लगी है। उधर ढोलबज्जा दियारा होकर नंदग्राम कदवा के कोसी धार और खैरपुर कदवा तक कोसी नदी की पानी घुस चुकी है, जहां कदवा के निचले इलाकों में बाढ़ के पानी घुस जाने से मक्का, धान, केला और विभिन्न प्रकार के साग सब्जियों की खेती करने वाले किसानों की नींद चैन हराम हो गई है। तो वहीं पशुपालक किसानों को पशुओं की चारा की भी किल्लत होने का डर सताने लगा है।